इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। तालुका अध्यक्ष कौन सी संगठन का सर? वो अभी वो इन्वेस्टिगेशन चालू है अभी। मैं उसका वो श्रीराम सेना हिंदुस्तान का अध्यक्ष है। सर ये सांप्रदायिक वारदात है, सांप्रदायिक वारदात है ये, जातिवादी। वो इन्वेस्टिगेशन का जांच चल रहा है, अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और देखा तो ऐसे ही लग रहा है। सितंबर 28 को एक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है कानापुर रेलवे पुलिस स्टेशन। इंसिडेंट के हिसाब से वहाँ पे एक डेड बॉडी मिला होता है, उसका नाम था, डिसीज पर्सन का नाम था आकाश मुल्ला। वेस्ट उसके हिसाब से उसकी माँ नजीमा मुल्ला ने 29 को कानापुर रेलवे पुलिस स्टेशन में एक मुकदम दाखिल करती है अंडर सेक्शन 302-201 रेड 34 IPC में मर्डर का केस रजिस्टर होता है। उसके बाद अक्टूबर 4 तारीख को रेलवे पुलिस से बेलगावी जिला पुलिस को केस हैंडओवर होता है। DSP बैलोंगल और उसके सारे टीम के DSP बैलोंगल ने इन्वेस्टिगेशन कैरी करता है और DSP बैलोंगल के अंदर बहुत सारे टीम भी फॉर्म होता है। उसके हिसाब से कंप्लेंट के हिसाब से डिसीज की माँ नजीमा मुल्ला तो द कंप्लेंट में ये बताती है कि अरबाज और श्वेता के बीच में दूसरों के बीच परिचय रहता है। उसके हिसाब से दोनों फैमिली के बीच में पहले भी कुछ झगड़ा हुआ है और सितंबर 26 को बुला के ये मैटर सेटल करने के लिए भी तो कुछ लोगों ने कोशिश किए होते हैं, फिर भी सारे एफर्ट्स के बाद भी ये ख़त्म नहीं होता है। और 28 को कॉन्स्पिरसी करके कुछ लोगों ने उसको अरबाज को बेलगाम से कानापुर बुला के रेलवे ट्रैक के नज़दीक उसको मर्डर कर देते हैं और मर्डर करके उसको एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो रेलवे ट्रैक के ऊपर रख देते हैं। उसको सुसाइड या रेलवे से धक्का मारकर उसका मौत हुआ है करके दिखाने के लिए एविडेंस को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश करते हैं। उसके हिसाब से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके आज 10 लोगों को दस्तगीर किया है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी कंटिन्यू है। वी आर वर्किंग, अभी वो उसका काम चल रहा है, वी आर वर्किंग ऑन इट। और उसमें दो लोगों का अभी पता चला है, एक कुमलिक करके एक नाम है, वो वहाँ का लोकल तालुका अध्यक्ष है और कुतुबुद्दीन व्यापारी करके भी एक आदमी का नाम भी आया है और वो भी उसके बारे में भी जांच चल रही है। तालुका अध्यक्ष कौन सी संगठन का सर? वो अभी वो इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसका वो श्रीराम सेना हिंदुस्तान का अध्यक्ष है जी, तालुका अध्यक्ष। सर ये सांप्रदायिक वारदात है, सांप्रदायिक वारदात है ये, जातिवादी। वो इन्वेस्टिगेशन का जांच चल रहा है, अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और देखा तो ऐसे ही लग रहा है। ओके। On 28, the incident was reported in Kanapur Railway Police Station regarding there was a dead body on the railway track near the Kanapur. On 29th morning, the case was registered by the deceased mother Najima Mullah in Kanapur Railway Police Station under section 302 and 201 and read with 34 IPC, and the case was registered and the investigation was taken up by the railway police. Then on October 4th, 2021, the case is transferred from Belagavi Railway Police to the Kanapur Railway Police Station, and the district police have taken up the investigation on the 4th October, and the investigation was carried out by DSP Bailungal, and under him the number of teams were formed. And after the investigation, we came to know that on the day of murder, the Arbaz was called from Belagavi to Kanapur and he was murdered near the railway track, and then the body was thrown in the railway track to make it appear as if it is a train accident or a suicide attempt. Based upon the entire investigation, we have arrested 10 persons in this entire case and still the investigation is going on. Thank you. Because the Arbaz used to love a girl called Shweta, and from last 2-3 years there was an issue between the two families, and the Arbaz family was shifted from Kanapur to Belagavi also, but still it was continued.
2 days before the murder, there was a meeting between some mediators and between the two families. Even though after the mediation, the issue was, didn't settle down. On the 28th, the murder was And is police looking at any sort of criminal angle into this? Oh yes, we have so far arrested 10 people, and the investigation still it is on.